हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चना चटपटी। चटपटी के लिए हमने ये चने को बॉईल करके लिया है, नमक डाल के 4 सीटियाँ लेके। इसके साथ में हमें लगेगा एक बड़े साइज़ का प्याज, हमने बारीक कट करके लिया है। टोमेटो लिया है 2 छोटे साइज़ के कट करके। धनिया पत्ती लिए हमने, नींबू का जूस है, आम लिया है मतलब कच्चा आम। और ये इसके साथ में जो मसाले हमें लगने वाले हैं, नमक हमने चनों को उबलते हुए डाला था तो ज़रूरत के अनुसार नमक यूज़ करेंगे। ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। रेड चिल्ली पाउडर है वो 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1/4 टीस्पून, चाट मसाला है, और हम इसमें ये मैगी मसाला है मैजिक यूज़ करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 2 चम्मच हमने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चना कितना अच्छे से उबला हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये अब हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। ये 3-4 मिनट हमने चने को अच्छे से भून लिया है। अभी इसमें हम ये मसाले ऐड करेंगे, नमक, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला, ये इसमें ऐड कर देते हैं। और इसका भी कोटिंग चने के ऊपर आ जाना चाहिए। ये मैं मैगी का मसाला है मैजिक लेती हूँ, ये भी मैं 1/2 पैकेट डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा कोटिंग हुआ है मसाले का चने के ऊपर। 2 मिनट हम इसे ढक के पकाएंगे। इसके ऊपर मैं ढक्कन रखती हूँ, 2 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हमने इसे ढक के पका लिया है। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो चने हैं वो ऑलरेडी पके हुए हैं। सिर्फ हमें मसाला जो हमने इसमें डाला है उसको उसके अंदर जाना चाहिए, इसलिए हमने इसे पका लिया है। अभी गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर लेती हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 15-20 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। ये हल्का सा ये गर्म है, पर ऐसा मतलब अपन टच कर सकते हैं इतना ही गर्म है। तो इसमें अब हम ये प्याज ऐड करेंगे। ये सभी चीज़ें आप आपके चॉइस के अनुसार इसमें डालिए। धनिया पत्ती डालेंगे और ये हम डालेंगे, और ये थोड़ा सा नींबू का जूस हम इसमें डाल देंगे। एक प्याज में और थोड़ा इसमें डालती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और टेस्टी भी है, सबको बहुत पसंद आती है। ये देसी चने का चाट बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में। और इसे बनाना भी एकदम आसान है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारे चना चटपटी की हेल्दी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये बनाने के लिए भी बहुत आसान है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।